नमस्कार, मार्स परिवार में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से हम ये समझेंगे कि आईटीसी मार्स एफपीओ ऐप का उपयोग किस प्रकार से करना होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यदि एफपीओ ऐप में आपका प्रोफाइल बना हुआ है तो उस प्रोफाइल में की जानकारियों में बदलाव किस प्रकार से की जा सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बीओडी किस प्रकार से जोड़ना होता है। इसके लिए ऊपर दाईं ओर आइकन पर क्लिक करके एफपीओ प्रोफाइल पर जाएं। नया सदस्य जोड़ने के लिए बीओडी सदस्य जोड़े बटन पर क्लिक करें। सभी बीओडी संबंधी विवरण और उनका मोबाइल नंबर भरें। सत्यापन कोड भेजे पर क्लिक करें। एफपीओ बीओडी मोबाइल नंबर प्राप्त पर प्राप्त कोड दर्ज करें और पुष्टि करें और सदस्य जोड़े पर क्लिक करें। नया बीओडी इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। बीओडी हटाने के लिए क्या करना होता है? तो इसके लिए प्रोफाइल पर आप सभी जोड़े गए बीओडी देख सकते हैं। हटाए बटन पर क्लिक करें और बीओडी उपयोगकर्ता को हटाने के लिए पॉपअप पर पुष्टि करें। यहाँ आप बीओडी संबंधी जानकारी को अपडेट भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रोफाइल पर जाकर आप सभी जोड़े गए बीओडी देख सकते हैं। एडिट करें बटन पर क्लिक करें और विवरण में आवश्यक परिवर्तन करें। यदि नंबर अपडेट करना है तो नंबर बदलें और फिर से सत्यापन कोड भेजें। बीओडी के नए नंबर पर प्राप्त सत्यापन कोड दर्ज करें और पुष्टि करें और सेव करें पर क्लिक करें। इस प्रकार से आप बीओडी संबंधी जानकारी को भी अपडेट कर सकते हैं। अब समझते हैं एफपीओ ऐप पर एफपीओ विवरण और पता किस प्रकार से बदलना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर में दाईं ओर आइकन पर क्लिक करके एफपीओ प्रोफाइल पर जाएं। अपनी कंपनी के बारे में सेक्शन के अंतर्गत एडिट करें बटन पर क्लिक करें। यहाँ एफपीओ अलग अलग फील्ड का चयन कर उन्हें एडिट करके सभी विवरण अपडेट कर सकते हैं। भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए एफपीओ को केवल सही विवरण भरने का सुझाव दिया जाता है। एफपीओ के खरीद स्थान यानी कि जीपीएस को अपडेट करने के लिए एफपीओ एडिट स्क्रीन पर मेरे मोबाइल लोकेशन का प्रयोग करें बटन पर क्लिक करें। एफपीओ मैनुअल रूप से अपनी लोकेशन दर्ज करें पर क्लिक करके अपने पिन कोड विवरण भी बदल सकता है। एफपीओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने स्थान के को सही करने के लिए ही केवल लोकेशन एडिट सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि गलत लोकेशन जोड़ने से किसान विचलित हो सकते हैं और उनके व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं।